आज हम भगवद गीता चैप्टर 30 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 30 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकृतैवाचा कर्मणि कृत्यामणानि सर्वसाया पश्यति तथात्मनाम् अकर्तराम् सा पश्यति। One who can see that all activities are performed by the body which is created of material nature and sees that the self does nothing actually sees. मतलब जिसको पता है कि सारे जो activities है वो शरीर के वजह से नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं आत्मा के वजह से हो रही है। Which is created of material nature and sees that the self does nothing. मतलब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं आत्मा के वजह से। वो आत्मा कहाँ से कनेक्टेड है? परमात्मा से। तो जो भी सारे घटनाएं घट रही है, जैसे मैं बोलती हूँ हीलिंग आप लोग ले रहे हो मुझसे, बट मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कर रहा है सब वो भगवान ही है, मैं तो जरिया हूँ। वैसे ही जो इस बात को समझ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो भी सारी चीज़ें हो रही है वो भगवान कर रहे हैं, सो उसके लाइफ में एक्चुअली उसको सब सत्य पता चल गया है। चलिए यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। दिस बॉडी इज मेड बाई मटीरियल नेचर अंडर द डिरेक्शन ऑफ द सुपर सोल एंड वॉट एवर एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन रेस्पेक्ट टू वंस बॉडी आर नॉट हिज डूइंग। मतलब जो भी सारी चीज़ें अपने शरीर से वो कर रहा है वो उसका अपना काम नहीं है। वॉट एवर वन इज सपोज टू डू ईदर फॉर हैप्पीनेस और फॉर डिस्ट्रेस वन इज फोर्स टू डू बिकॉज ऑफ द बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हम काम करते हैं वो हमारी बॉडी, हमारे हॉर्मोन्स ऐसे बने हुए हैं कि हम उसको करने के लिए बाध्य होते हैं। द सेल्फ हाउएवर इज आउटसाइड ऑल दीज बॉडीली एक्टिविटीज। दिस बॉडी इज गिवन अकॉर्डिंग टू वंस पास्ट डिजायर्स। टू फुलफिल डिजायर्स वन इज गिवन द बॉडी विथ विच ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली। Practically speaking, the body is a machine designed by the Supreme Lord to fulfill desires. Because of desires, one is put into difficult circumstances to suffer or to enjoy. This transcendental vision of the living entity, when developed, makes one separate from the bodily activities. So, जो हमारे the self, however, is outside the, जो हमारा आत्मा है वो bodily activities से परे हैं। This body is given according to past one's past desires. हमारे जो मैंने कल बोला था, अगर इच्छाएं आपकी हो गई ह्यूमन वाली, लेकिन आपके कर्म है जिससे आप बनोगे बिल्ली, तो वो कॉन्ट्रास्ट रह जाएगा। तो आपके जो इच्छाएं थी और आपके जो ये हो सकते हैं ना, जो कामनाएं हैं, उससे वो आपका करंट बॉडी जो मिला है वो उसके मुताबिक मिला है। टू फुलफिल डिजायर्स वन इज गिवन द बॉडी। अपना शरीर मिला है ताकि आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सके ना। आपका कर्म अच्छा तभी आपको वो मिलता है। विथ विच वन ही एक्ट्स अकॉर्डिंगली। प्रैक्टिकली स्पीकिंग द बॉडी इज अ मशीन। जो हमारा शरीर है वो एक मशीन है डिजाइन बाय द सुप्रीम लॉर्ड जो कि एक साइंटिस्ट है। टू फुलफिल डिजायर्स बिकॉज ऑफ डिजायर्स वन इज पुट इन टू डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इसीलिए आपको डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में पड़ना पड़ता है। टू सफर और टू एंजॉय। दिस ट्रांसेंडेंटल विजन ऑफ द लिविंग एंटिटी व्हेन डेवलप्ड मेक्स वन सेपरेट फ्रॉम बॉडीली एक्टिविटीज। वन हु हैज सच अ विजन इज एन एक्चुअल सीयर। जिसके पास में वो विजन है, जो फ्यूचर को देख सकता है, वो एक्चुअली उसका विजन क्लियर है। जिसको पता है कि जो बॉडीली एक्टिविटीज है, जो भी अभी मिल रहा है, जो भी सारी सिचुएशन हो रही है, वो हमारे बॉडी के या कर्म के कारण हो रहा है। जिसको ये चीज़ पता होता है, somebody who is separate from the body, somebody who knows कि हमारा शरीर के जो काम है वो उससे अटैच नहीं होना है, जो डिटैच रह पाता है, इज एक्चुअली द सीयर, जो उसको देख पा रहा है। यही तक है श्लोक नंबर 30 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13। अगले दिन हम श्लोक 31 को कवर करेंगे। आज हमने यही सीखा है कि हमारा शरीर जो है उसके ऊपर नहीं, हमारे आत्मा जो है वही सब चीज़ों को चला रहा है। हमारे आत्मा को कौन चला रहा है? परमात्मा। सो एक्चुअली भगवान ही सब कुछ कर रहा है। ये तक है श्लोक 13। नेक्स्ट डे 31 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।